चलिए, फिजिकल एंड केमिकल चेंज का चेंज जो है हमारा, है ना, क्लास 7th का चैप्टर 6 का पार्ट 2 करते हैं हम लोग आज। पार्ट 1 तो मैंने आप लोगों को करा ही दिया था। देखिए, केमिकल चेंजेज मैंने बता दिए थे, जैसे किसी भी पेपर का बर्न होना, पेपर का जलना, ठीक है, दूध का दही में बदलना, मिल्क का कर्ड में बदलना, केमिकल चेंज था ना, याद आया कल जो पढ़ाए थे, ठीक है, या किसी भी सब्सटेंस का जलना जो होगा केमिकल चेंज ही होगा, ठीक है ना बेटा। कोई भी सब्सटेंस या किसी भी चीज को जो हम बर्न करते हैं तो केमिकल चेंज ही होता है। हम अगर फूड को डाइजेस्ट करते हैं, किसी भी एनिमल या ह्यूमन बींग के अंदर जब फूड का डाइजेशन होता है तो उसको भी केमिकल चेंज ही कहते हैं, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, हमारे पेटों में जाता है, और वहां पर पहले स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो लीवर से, स्टमक से और बहुत सारे हिस्सों से क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसेस या डाइजेस्टिव जूसेस निकलती है, एंजाइम्स निकलते हैं, कुछ केमिकल निकलता है, वो खाने के साथ मिलके क्या करता है, उस खाने को पचाने का काम करता है, ठीक है। मैंने कहा था कि आप लोगों से ये मैं एलिमेंट्स के नेम कल पूछूंगा, याद करके आए हो सारे नमूने हो, चलो बाद में देखो। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन याद है आप लोग को, मैंने कल बताया था, जब मैग्नीशियम की रिबन को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, उसके जलने से जो राख निकलती है, ऐस जो आती है व्हाइट कलर की पाउडर जैसी, उससे क्या होता है, उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो मैग्नीशियम को के रिबन को जलाने से एक नई चीज मिली ना हमको, मैग्नीशियम ऑक्साइड पहली बात, और इसके जलने से बहुत तेज व्हाइट, है ना, ब्राइट व्हाइट लाइट भी आती है, मतलब तेज सफेद प्रकाश आता है, ठीक है। तो इसके जलने से एक नई चीज भी बनी इस केमिकल रिएक्शन से, इसको केमिकल रिएक्शन क्यों कहेंगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को हम केमिकल चेंज इसलिए कहेंगे क्योंकि उसके जलने से लाइट भी निकल रही है, उसके जलने से एक नई चीज भी बनी है, और हम उस पाउडर से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना उससे फिर मैग्नीशियम का रिबन नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखो, रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड वेनेगर भी मैंने आप लोग को कल बता दिया था, ठीक है ना, कि अगर बेकिंग सोडा को बेटा वेनेगर में आप डालोगे तो उससे क्या होगा, तुम बताओ क्या करिए, बुलबुले निकलेंगे, और बुलबुले किस गैस के होंगे तुम बताओ, तुम बताओ, CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले होंगे। तो देखो, उसके रिएक्शन से एक नया चीज बना ना, CO2 गैस बना इन दोनों के रिएक्शन से, और क्या ऐसा हो सकता है कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे और CO2 बनी तो CO2 से फिर मैंने हम लोग दोबारा ये चीज बना दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो इसको भी केमिकल चेंज ही कहेंगे। आ रहा है समझ में, नहीं आया, नहीं आया, उसके बाद बेटा, द रिएक्शन बिटवीन लाइम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ केमिकल चेंज बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस कैल्सियम कार्बोनेट इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस चेंज। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्की इज यूज एज अ स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की बाई फॉर्मिंग अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्सियम कार्बोनेट, नो अदर गैस कैन टर्न लाइम वाटर। होता क्या है कि अगर चूने का जो पानी होता है ना, चूने का जो पानी, चूना समझते हैं ना, व्हाइट कलर का चूना जो तंबाकू लोग खाते हैं उसमें मिलता है, या सफेदी भी होती है उससे, तो जो लाइम वाटर होता है उसको जब कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के साथ हम मिक्स करेंगे ना, गैस इज ए केमिकल चेंज। द रिएक्शन बिटवीन लाइम वाटर, लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में जो रिएक्शन होता है, दोनों एक दूसरे से जब मिलते हैं तो रिएक्शन जो होता है उसको केमिकल चेंज कहते हैं, क्योंकि ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। पहली बात, पानी को, चूने को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, एक नया सब्सटेंस है ना, तो वो क्या कहते हैं, लाइम है, और ना ही वो कार्बन है, एकदम बिल्कुल नई चीज बन गया।
और उसके बाद वो क्या करता है कि जो चूने का पानी होता है ना उसके कलर को व्हाइट कर देता है, मिल्की व्हाइट, दूधी कलर का, एकदम बिल्कुल दूध के कलर का, मिल्क के कलर का व्हाइट कर देगा। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि एक ये केमिकल चेंज ही है। ठीक है, टू प्रिपेयर लाइम वाटर डिजोल्व सम लाइम और चूना इन वाटर इन अ बोटल, स्टीर द सोल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम फॉर अ लिटिल क्लियर सोल्यूशन फ्रॉम द टॉप, दिस इज लाइम वाटर। अगर बेटा लाइम वाटर या चूना का पानी बनाना है तो क्या करेंगे, जो तंबाकू उम्बाकू नहीं लोग खाते हैं, चूना जो आता है दुकानों पे, वो चूना थोड़ा सा लीजिए बोतल में और उसको पानी डाल के सेक कर दीजिए, हिलाएंगे तो क्या होगा उसमें, क्या होगा वो व्हाइट कलर का एकदम बिल्कुल हो जाएगा। व्हाइट कलर का क्यों हुआ, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिएक्ट करेगी, हमारे एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना। बिल्कुल, रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड आयरन। अब कॉपर सल्फेट एक चूरा होता है पाउडर जैसा, ठीक है, उसको पानी में अगर घोल दें, ठीक है, और उसमें अगर आयरन डाल दे तो क्या होगा सोचते हैं, देखिए द रिएक्शन बिटवीन, देखो उस पहली बात क्या कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट ऐसा पाउडर होता है, ठीक है, जिसको पानी में घोल देंगे ना तो पानी का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का। ठीक है, समझ में आया इतना। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, जैसे एक पाउडर समझ लो, कॉपर सल्फेट मतलब कि एक पाउडर, वो ब्लू कलर का है, पानी में डालेंगे तो पानी का कलर भी ब्लू कलर का कर दिया। ठीक है, अब इस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन घोल बना करके इसमें अगर हम कोई आयरन की रॉड डाल देना, आयरन डाल दे तो क्या होगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो फिर क्या होगा, उस जो लिक्विड का कलर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है ना, और कॉपर अलग हो जाएगी उसमें से, बात समझ रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, कॉपर के बुरादे थे, सल्फेट के बुरादे पाउडर हमने डाले थे मिट्टी में, तो उसका कलर ब्लू हो गया। ठीक है, और उसमें जैसे ही आयरन डाले ना ग्रे कलर का, तो आयरन तो ग्रे कलर का होता है, भूरे कलर का, हल्का बारूदी कलर का, जैसे डालेंगे तो क्या होगा, अब जो आयरन था ना, आयरन, अब आयरन के डालने से उसका ब्लू कलर वाला जो सोल्यूशन था वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया, और जिसने उसमें कॉपर जो थे ना, कॉपर अलग अलग आपको दिखेंगे, उसके ब्राउन कलर के दिखने लगे, बात समझ आ रही है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड आयरन इज ए केमिकल चेंज बिकॉज इट प्रोड्यूस टू न्यू सब्सटेंस। इन दोनों का रिएक्शन जब होता है बेटा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मतलब कॉपर सल्फेट के घोल का और आयरन का जब रिएक्शन होता है तो इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज क्यों कहते हैं, इसलिए केमिकल चेंज कहते हैं क्योंकि उनके जब दोनों मिलते हैं तो उससे एक नया चीज बनता है, दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या नया चीज बनेगा, वो नया चीज होगा आयरन सल्फेट। ठीक है, उस दोनों के जुड़ने से नई चीज क्या बनेगी, आयरन सल्फेट, और जैसे आयरन सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉपर। जैसे देखो अगर मैं आपको बताऊं, अभी मैं आप लोग को बोर्ड पे दिखा देता हूं ये, ठीक है, और बच्चों को स्क्रीन पर तो नहीं दिखेगी, मैं जैसे स्क्रीन वालों को बता दूं जो वीडियो देखेंगे कि जैसे बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये है ब्लू कलर का, हमने बस इसमें हमने आयरन मिला दिया है ना, कॉप आयरन को मिक्स कर दिया, आयरन डाल दिया, तो अब क्या होगा, जब नया चीज जब दूसरा हम देखेंगे डालने के बाद, तो हमको जो कलर है पूरा सोल्यूशन का वो ग्रीन कलर का दिखेगा क्योंकि वो आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा, और क्या अलग क्या हो जाएगी, कॉपर। जैसे देखिए जो बच्चे यहाँ ऑफलाइन में उनको मैं दिखा दूं बोर्ड पे, जैसे मान लो बेटा ये एक बर्तन था, ठीक है, इस बर्तन में जो सोल्यूशन भरा हुआ था और ये बुरादा जो भरा हुआ था वो था कॉपर सल्फेट का, इसमें हमने क्या किया, एक आयरन रॉड डाला जो ग्रे कलर का था, इसमें क्या प्लस कर दिया, आयरन, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही डाला तो क्या हुआ, ये जो है ना आयरन सल्फेट बन गया,
मतलब इस बाउल में जो रखा हुआ लिक्विड था ना, उसका जो कलर हो गया अब वो क्या कहते हैं ब्लू कलर से ग्रीन में बदल गया। और ये जो बुरादा छोटे छोटे डाले हुए थे ना, बुरादा छोटे छोटे ये कॉपर के, इनका कलर क्या हो गया ब्राउन। अब समझ में आ गया, क्लियर है? देखो प्लीज, द कॉमन नेम ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है ना, उसको हम लोग नॉर्मल भाषा में अपने हिंदी में क्या कहते हैं, नीला थोथा, नीला थोथा उसको हिंदी में कहते हैं, ब्लू विट्रियल या नीला थोथा हिंदी में कहते हैं। देखिए अब केमिकल चेंज के इंपॉर्टेंस क्या है वो हम आप लोग को बता देते हैं, ठीक है? देखिए यहां तक समझ में आया आप लोगों को, किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है यहां पे? जैसा कि फिजिकल चेंज मैंने आपको बताया था उसके क्या गुण थे, क्या फायदा था, केमिकल चेंज का देखते हैं। पहला, मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर, ठीक है, मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड कॉल्ड ओर्स बाई ए सीरीज ऑफ केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, आयरन मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आयरन ओर बाई केमिकल चेंज। जो भी मेटल, मेटल समझते ना, जैसे आयरन, कॉपर, लोहा, तांबा, पीतल, ये सब क्या होता है, मेटल ही तो है, एल्यूमिनियम। तो ये जमीन से बेटा जब खोद के निकालते हैं, ठीक है, ये जमीन से जब खोद के हम लोग निकालते हैं तो किस तरह होता है ये, एक मिनट देखिएगा, देखिए। तो पहला क्या है कि कोई भी मेटल जो मिलता है वो है ना और सारी गंदगियों के साथ मिक्स होता है। जैसे आयरन होगा तो उसके अंदर बहुत सारी गंदगियां होती है, तो हम लोग अलग अलग तरह का केमिकल चेंज कराते हैं, केमिकल डालते हैं ना, तो उससे क्या होता है, आयरन में से जितनी गंदगी होती है अलग हो जाती है और साफ लोहा अलग हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो केमिकल चेंज फायदेमंद है ना, अगर केमिकल चेंज हम ना करते तो हमको साफ लोहा मिलता ही नहीं, है कि नहीं, प्योर आयरन नहीं मिल सकता था। तो केमिकल चेंज किसी भी मेटल को प्योर करने के लिए, या उसको क्या कहते हैं, उसकी ओर से या गंदगियों से अलग करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है? उसके बाद देखिए, दूसरा है कि मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड बाय कैरिंग आउट अ चेन ऑफ केमिकल चेंजेस। बहुत सारे हम जो दवाइयां बनाते हैं उसको भी केमिकल चेंज के द्वारा बनाते हैं, बार बार केमिकल चेंज कराते हैं बहुत सारी बार दवाइयों को, तब जाके बहुत बार रिएक्ट करा करा के कोई एक तैयार मेडिसिन बनती है। बात समझ रहे हैं? दवा, द मटेरियल सच एज प्लास्टिक सोप, मतलब प्लास्टिक हो गया, साबुन हो गया, डिटर्जेंट जो कपड़े धोने वाला जो पाउडर या साबुन होता है वो हो गया, नहाने वाला साबुन हो गया, परफ्यूम, एसिड, एसिड जितने बनाए जाते हैं, ठीक है, बेसेज भी जो बनाए जाते हैं, नमक या सॉल्ट जो बनाए जाते हैं, अलग अलग साल्ट, ठीक है, ये सारे के सारे कैसे बनते हैं, केमिकल चेंज के बाद ही बनते हैं। बात समझ में आएगी आप लोग को, ठीक है, कि केमिकल चेंज करेंगे तभी हम कोई साबुन बना सकते हैं, सोप बना सकते हैं, डिटर्जेंट बना सकते हैं, प्लास्टिक तभी बनता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे चीज। उसके बाद बेटा, एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस। हर बार जब कोई नई चीज डिस्कवर की जाती है, कोई नई चीज अगर साइंटिस्ट लोग बनाते हैं तो कैसे बनती है, केमिकल चेंज के बाद ही बनती है। क्योंकि आपको पता है ना, केमिकल चेंज का सबसे बड़ा डेफिनेशन ही है कि इसमें जब दो चीजें रिएक्ट करेंगी तो क्या होगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा, एक नई चीज बनेगी। तो नई चीज बनाने के लिए फिजिकल चेंज करेंगे या केमिकल चेंज करेंगे, क्या सदमे में है क्या, ध्यान दे। अब बेटा देखो है ना, यहाँ पर जो मैंने चार्ट आप लोग को ये टिक कर रहा हूँ, इसको यहाँ लिख भी रखा है, ऑल चार्ट राइट, मतलब पूरा का पूरा चार्ट लिखना है आप लोग को नोट्स में, ठीक है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज का जो चार्ट था डिफरेंस वाला, लिखे हो पूरा चार्ट डिवाइड करके।
नोट्स लाया साइंस का? मैं मांगूंगा, रुक जाओ। नो, अब देखो फिजिकल में क्या होता है, नो न्यू सबस्टांसेस फॉर्म, फिजिकल चेंज में कोई नई चीज तो बनती नहीं। केमिकल चेंज में क्या होता है, अ न्यू सबस्टांसेस फॉर्म, एक नई चीज बनती है आफ्टर रिएक्शन। उसके बाद अगर फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज इज टेम्पररी चेंज, इसमें जो चेंज होता है थोड़े समय के लिए होता है। जैसे आइस से अगर मान लो वाटर बन रहा है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि आइस है, आइस से अगर वाटर बन रहा है तो फिर हम लोग ये थोड़ी देर के लिए हुआ, फिर वाटर से भी तो आइस बन जाएगा ना जब हम उसको जमा देंगे तो, ठीक है। लेकिन केमिकल चेंज ऐसा नहीं होता, केमिकल चेंज जो होता है परमानेंट चेंज होता है, उसमें एक बार चेंज हो गया। जैसे मिल्क से है ना, हमारी जो मिल्क है अगर उसे कर्ड बन गई, मिल्क है अगर उसे कर्ड बन गया तो फिर वो कर्ड से मिल्क कभी नहीं बन सकता, ठीक है, समझ में आया आपको। उसके बाद फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है, रिवर्स कर सकते हैं बेटा, अगर हमने आइस से वाटर बनाया तो वाटर से भी आइस बन जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज में ऐसा हम नहीं कर सकते, दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बना सकते। वेरी लिटल एनर्जी इज एब्जॉर्ब और गिवन आउट इन अ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज होता है तो बहुत कम ही मात्रा में एनर्जी ली जाती है या एनर्जी बाहर निकाली जाती है, लेकिन केमिकल चेंज में ज्यादा एनर्जी ली या दी जाती है, ठीक है। बस मेरे या तो ज्यादा एनर्जी लगेगा या तो ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगा केमिकल चेंज होने के बाद। देखिए द न्यू द सेम सब्सटेंस कैन अंडरगो फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। देखो कभी कभी क्या होता है कि एक ही समय में फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों हो जाता है, ये अपवाद में है, दोनों के बीच का मामला है। ये कैसे, द टियरिंग ऑफ अ सीट ऑफ पेपर इनटू पीसेज ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज बट द बर्निंग ऑफ अ सीट ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज। एक ही चीज में दोनों रिएक्शन हुआ ना, अगर पेपर को बेटा फाड़ोगे टुकड़े टुकड़े करोगे तो फिजिकल चेंज, लेकिन अगर जला दोगे तो केमिकल चेंज, क्योंकि जलने के बाद वो राख बन जाएगी, ऐश बन जाएगा और उसका हम लोग किसी भी तरह से कोई यूज नहीं कर सकते, है कि नहीं, मतलब कि उसको फिर से उस राख से हम कागज तो नहीं बना सकते। और उसी तरह अगर बेटा पेपर अगर आप कट कर दो या फोल्ड कर दो तो फिर फोल्ड करने पे खोल लेंगे तो पूरा पेपर मिल जाएगा, और नहीं तो कटे हुए टुकड़ों को जोड़ देंगे तब भी पेपर बना सकते हैं, ठीक है। क्लोथ का भी ऐसा ही है, कपड़े को अगर काटोगे तो फिजिकल चेंज है और अगर जला दोगे तो केमिकल चेंज, समझ में आया, ध्यान दो बेटा। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज, जो मोमबत्ती या मोम होती है, मोम समझते हो ना, मोमबत्ती, मोमबत्ती क्लियर है, कैंडल जब जलती है तो क्या होगा, वो पिघलना ही स्टार्ट कर जाती है, तो फिजिकल चेंज है, ठीक है। बट द बर्निंग ऑफ वैक्स, द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि अगर मोम को पिघलाते हैं और पिघला हुआ मोम को फिर दूसरे किसी सांचे में डालेंगे तो उसे अलग अलग टाइप की मोमबत्तियां, गोल लंबी किसी भी तरह की मोमबत्ती बन जाएगी और भी बहुत सारी चीजें बन जाएंगी। लेकिन अगर मोम जल जाए, बर्न होने लगे तो क्या हुआ, भाप बन के निकल जाएगा, है ना, हवा में फैल जाएगा, गैस बन के रखे उड़ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद तो आप उस गैस को कैच करके फिर दोबारा मोम तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, तो उसे कोई दूसरी चीज बना सकते हैं। फिर पिघले हुए मोम को ठंडा कर दोगे तो फिर मोमबत्ती नहीं बन जाएगी, लेकिन जब मोम जल जाएगा तो कुछ बनेगा क्या, नहीं बन सकता, समझ में आया, फिर से बताऊं दिलीप, बताऊं। देखो मान लो जैसे मोमबत्ती है, आपने क्या किया, थोड़ा सा उसको आंच दिया और जितना पिघलता गया ना, पिघले हुए मोमबत्ती को, मोम को किसी बर्तन में किसी जगह आप टपकाते जाओ, वो टपक टपक के वहीं रह जाएगा, समझ रहे हो, लेकिन किसी मोम को, और उसमें क्या करो ना कि मोमबत्ती लेकर के अगर मान लो उसमें माचिस माचिस में धागा लगा हुआ है ना, उसे बत्ती लगी हुई है, तो क्या होगा, मोमबत्ती जलते जाएगी जलते जाएगी, वो धागे के गर्माहट के चलते सारी मोम जल जल के उड़ती जाएगी, गैस बन के उड़ती जाएगी। और वही अगर क्या करे, उसमें धागा ना हो तो मोम को पिघला करके टपकाते जाओ तो सारा मोम जमीन पे आ जाएगा, और फिर उसको जैसे चाहो ठंडा होने के बाद फिर मोम ही तो बन जाएगा, आया समझ में। मोम का पिघलना फिजिकल चेंज, क्योंकि पिघले हुए मोम से फिर से आप मोमबत्ती बना सकते हो,
है ना। लेकिन मोम का जलना या वैक्स का जलना केमिकल चेंज है, क्योंकि जल के उड़ गया तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते, ला नहीं सकते उसे पहले वाले फॉर्म में। क्लियर है? देखिए अब हम बात करते हैं द प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ ओजोन। हमने सुना है ना ओजोन लेयर है हमारे पास, जो ओजोन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 50 किलोमीटर के हाइट पे, यहां से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाओगे ना तो उस ऊंचाई पे ओजोन की लेयर है। ओजोन लेयर का क्या फायदा है भाई? ओजोन लेयर से ये फायदा होता है कि जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आती है, पराबैंगनी किरणें सूर्य के प्रकाश से आती है ना, ये उसको वहीं पर सोख लेती है। ठीक है, अब सोखने से क्या फायदा होता है? अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज हम तक आ जाए या पराबैंगनी किरणें, तो दिक्कत पता है क्या होगी? हमें स्किन कैंसर हो जाएगा और धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा, इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा कि यहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु सब मरने लगेंगे। ठीक है, तो ओजोन लेयर तो फायदेमंद है। तो देखो द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इस ओजोन लेयर में हम लोग जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते हैं, एक गैस होती है, आपने अभी तो नहीं, पहले क्या होता था जो फ्रिज में, जो रेफ्रिजरेटर हमारा होता है ना फ्रिज घर में कूलिंग वाला, या अब जो एसी एयर कंडीशन जो यूज करते हैं, एसी समझते हैं जिसे, वो लगा हुआ है, तो उसमें जो गैस भरी जाती थी वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती थी। वो क्या करता था कि अगर वो गैस ज्यादा एटमोस्फेयर में आने से क्या होता था ना कि वो ओजोन से जाकर के जुड़ जाता था और ओजोन से जुड़ने के बाद उसको तोड़ देता था। ठीक है, उसके बॉन्डिंग को तोड़ देता था। इससे क्या होता था, क्या ओजोन लेयर हटते जाती थी, वो गैस खत्म होते जा रही थी और वहां पे उस लेयर के जगह बहुत बड़ा सुराख हो गया था, वहां से सन की लाइट आ रही थी नीचे, जिससे कि अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ। लेकिन धीरे धीरे सरकारों ने क्या किया, ठीक है ना, गवर्नमेंट्स ने मिल करके एक साथ बैठ करके कि वो गैस ही बैन कर दी जिससे कि ओजोन लेयर खत्म हो रही थी। ठीक है, अब उसके बदले में हम लोग दूसरी सब्स्टिट्यूट गैसेज यूज करते हैं। आज के डेट में ओजोन लेयर बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ठीक है, आगे देखो बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये भी केमिकल चेंजर। कैसे मैं बताऊं, जब भी आयरन एयर के कॉन्टेक्ट में रहता है, मास्क लगा ले बेटा, तुम्हें बोलना थोड़ी है, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम लोग मास्क लगा के रखो, एक सेकेंड भी हटाओगे, हटा दिया तो कोई फायदा नहीं मास्क लगाने का। ठीक है, जब भी जैसे कोई आयरन का गेट आपने देखा होगा, लोहे की गेट लग जाती है ना, आयरन का जो गेट होता है उसमें क्या होता है, आयरन के गेट में ये बात होती है कि जैसे अगर मान लो उस पर कोई पेंट या प्राइमर हम लोग ने ना लगाया हो, देखो तो हमने बताया कि रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या था कि लोहे में जो जंग लग जाती है उसी को रस्टिंग कहते हैं। अगर मान लो कि कहीं नमी में या कहीं मॉइस्चर ज्यादा है, वहां पर हमने छोड़ दिया सारा का सारा अपना लोहा और उसके ऊपर कोई पेंट नहीं किया हुआ, जैसे काम उम कंस्ट्रक्शन का होता होगा ना घर और बनाने का, तो आपने देखा होगा सरिया इसी तरह बाहर छूट जाता है, तो ब्राउन ब्राउन कलर का, भूरे भूरे कलर का उस पर लग जाता है ना, वही तो जंग है। या कोई पुराना लोहे का गेट हो बेटा, उसमें ना देखते हो अगर पेंट छूट जाए तो उसमें जंग लग जाता है। तो ये क्यों होता है, जब भी आयरन, ठीक है, हवा में ऑक्सीजन तो है, ठीक है, और नमी भी होती है, बारिश का पानी है, कहीं ना कहीं से नमी मिल जाएगी ना, हवा में थोड़ा वाटर वेपर भी होता है, तो अगर कोई भी चीज आयरन अगर ओपन रहे, उस पर कोई कोटिंग ना की जाए, पेंट ना किया जाए, तो क्या होगा, ऑक्सीजन और वाटर की जब लोहे के साथ चिपकता है तो रस्टिंग होने लगती है, जंग लग जाता है। और जंग को क्या कहते हैं बेटा, जंग का केमिकल नेम आयरन ऑक्साइड होता है। क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, याद रखिएगा। तो अगर हमें जंग से बचाना है, अगर मान लो कि रस्टिंग होने लगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो क्या कहते हैं,
आयरन का कोई भी चीज है वही जंग लग के खत्म हो जाएगा, बिल्डिंग के बिल्डिंग खत्म हो जाएंगे, पुलिया जो पुल होते हैं वो भी खराब हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए हम लोग को रस्टिंग से बचाने के लिए, हम लोग उस पर कोई ना कोई कोटिंग चढ़ा देते हैं, मतलब कि पेंट कर देते हैं। हाँ ब्राउन क्या किसी भी कलर का हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी कलर कर दो। सबसे अच्छा पेंट पता है कौन सा माना जाता है? ब्लैक कलर का पेंट सबसे मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि वो पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट होता है। अब देखो बेटा, रस्ट इज आयरन ऑक्साइड, दस रस्ट कैन आयरन आर नॉट द सेम सबस्टेंस। तो जंग और लोहा दोनों सेम चीज नहीं है, ठीक है। जब आयरन का लोहे का वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, तो नया चीज क्या बना? आयरन ऑक्साइड बनाना, जो कि एक नई चीज थी। आयरन नहीं, वो दूसरी चीज है, तो इसको हम केमिकल चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब मान लो मैं कोई पूछे कि जंग लगने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, तो क्या बताएंगे? जंग लगने के लिए, रस्टिंग होने के लिए कौन से दो कंडीशन जरूरी है? पहला वाटर का होना, मॉइस्चर का होना, और दूसरा एयर का होना, ऑक्सीजन का होना, ठीक है ना, दूसरा ऑक्सीजन का होना। समझ में? जंग लगने के लिए क्या दोनों चीजों की जरूरत होती है? तू बता, इस दिमाग में क्या हो गया, इसे खत्म नहीं है क्या? जंग लगने के लिए किन दो चीजों की जरूरत होती है? जो मैं नोट्स लिखवाता हूं दो से चार बार रीड करो, अभी मौका है अपने आप को कुछ बना लेने का, बाद में मौका नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते जाओगे बेटा डल होती चली जाओगे। जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूं ना, लाइफ लाइन है आप लोगों के लिए, ये पढ़ लिया आप लोगों ने, साइंस में कोई काट नहीं सकता आप लोगों को। देखो रस्टिंग डैमेज फ्रॉम आयरन, रस्टिंग डैमेज आयरन ऑब्जेक्ट। अब मान लो जंग लगेगा तो क्या होगा, आयरन की चीजें खराब होने लगेंगी ना धीरे धीरे, उसको है ना खत्म करता जाएगा, उसको खुरचता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जंग लगने के बाद कोई मोटी से मोटी लोहे की पाइप या गेट या कुछ भी हो, क्या होता है, एक समय ऐसा आता है जब बिल्कुल वो टूट के खत्म हो जाती है, होता है ना ऐसा, वही बात तुम्हें कर रहा हूं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, हम लोग आयरन को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। हम लोग आयरन को जंग लगने से बहुत सारे तरीके हैं जिससे बचा सकते हैं। पहला तरीका क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन कैन प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। अगर हम पेंट कर दें, आयरन को पेंट कर दें, तो रस्टिंग से बच जाएगा, है ना, लोहे को पेंट कर दें तो। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस ऑन और ऑयल। अगर किसी भी लोहे के पाइप पे या किसी चीज ग्रीस लगा दो, ग्रीस होता है ना, देखा है ना ग्रीस साइकिल की दुकान पे, या जो मलहम जैसा होता है, वेस्लिन टाइप का, जो गाड़ी की जब रिपेयरिंग सर्विस करते हैं तो लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो चिकनाहट रहने से, है ना, उस पे भी पानी या क्या जो हवा है उस पे चिपक, काला काला नहीं, व्हाइट कलर का जो मलहम जैसा होता है उसको ग्रीज कहते हैं। और ऑयल तो होता ही बहुत तरह के ऑयल। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई गैल्वनाइजेशन। बेटा गैल्वनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी लोहे के ऊपर जब जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिंक भी एक मेटल होता है, जिंक जैसे बाल्टी लोहे की देखिए आपने ना, उसमें जंग नहीं लगती जल्दी, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है, कोटिंग टाइप की, समझ रहे हो, जिससे क्या, इसी को गैल्वनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जिंक जो होता है ना उसको पिघला दिया जाता है पानी की तरह, स्प्रे के जैसा, और जब उसको आयरन पे स्प्रे कर दिया जाता है ना पेंट की तरह, तो जाकर के एकदम बिल्कुल चिपक जाती है उससे, और जम करके बिल्कुल ठोस हो जाएगी, ठीक है।
तो उसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और इससे क्या होता है वो आयरन जंग लगने से बच जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अलाउइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील। अगर मान लो कभी भी किसी लोहे को, आप स्टील का बर्तन देखा है आपने, स्टील वाला, स्टेनलेस स्टील का थाली होती है ना घर में खाना खाते हैं, प्लेट होती है, गिलास होता है स्टेनलेस स्टील का, उसमें जंग लगता है कभी? नहीं लगता। हालांकि वो भी लोहा ही होता है, लेकिन उसमें क्या करते हैं, कार्बन, क्रोमियम एंड निकेल, तीन अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। क्या क्या होती है? कार्बन, क्रोमियम एंड निकेल, इन सारी चीजों को क्या करते हैं, आयरन के साथ मिक्स करते हैं, जिससे कि स्टेनलेस स्टील बन जाती है। ठीक है, इससे कुकिंग यूटेंसिल, मतलब कि खाना बनाने वाले बर्तन जो होते हैं, चाकू जो बनाए जाते हैं, है ना, और बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाई जाती है। अब देखो मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट अब और नहीं बताना चाह रहा आप लोगों को, ठीक है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट बता के एंड करूंगा, क्योंकि अभी आप लोगों को ना उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट बताया जाए तो फिर आपके दिमाग में रहेगा। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये देख लो अभी एक बार, ठीक है। देखो, सी वाटर कंटेन साल्ट डिजोल्व इन इट, वी हैव लर्न इन क्लास 6 दैट साल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर बाय प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज नॉट अ गुड टेक्निक ऑफ सेपरेशन। ठीक है, देखो क्या होता है, हम लोग नमक कैसे बनाते हैं, समुद्र का जो पानी होता है उसमें नमक होता है, खारा होता है ना, अगर उसको बड़े बड़े तालाबों में जमा कर दें और धूप में छोड़ दें तो कुछ दिन में क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगी और केवल नमक नमक बच जाएगी। लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है, क्योंकि समुद्र के पानी में बेटा, हेलो, हाँ नमस्ते बेटा, बोलो बेटा, आज एसएसटी करा है, एसएसटी में पॉलिटी की, हाँ हाँ पॉलिटी की बुक है आपके पास, ले आना। देखो बेटा, इसमें मैं आपको बताऊं कि जो अगर इवोपरेशन से आप नमक बनाते हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता, हम लोग को क्या करना चाहिए, दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। देखो क्या होता है, समुद्र के पानी में नमक के साथ साथ, है ना, समुद्र के पानी में नमक के साथ साथ और भी हानिकारक चीजें होती, जहरीली चीजें होती, तो हमको क्या करना चाहिए, क्रिस्टलाइजेशन को अपनाना चाहिए, उस तरीके को। और वो कैसे होता है, देखो, द सोलेबल इम्प्यूरिटी डू नॉट गेट रिमूव्ड इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ साल्ट सॉल्यूशन। नमक के पानी वाले घोल में, नमक के घोल में, जैसे समुद्र का पानी क्या होता है, खारा पानी में नमक होता है ना, उसमें से जो घुलनशील, जो घुलता नहीं है, उस इम्प्यूरिटी को अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। सो द साल्ट ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन इज नॉट प्योर। तो अगर मान लो कि जो हम नमक प्राप्त करते हैं भाप से, भाप इवेपोरेशन से, भाप से पानी को उड़ा करके, वो अच्छा तरीका नहीं है, उससे जो नमक मिलता है प्योर नहीं होता। द क्रिस्टल ऑफ साल्ट ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन आर स्मॉल एंड द शेप ऑफ क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। इवेपोरेशन से जो क्रिस्टल बनते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और अच्छी तरह से दिखते भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। जैसे मान लो कि जब कोई भी घोल है ना, समुद्र का पानी बहुत ज्यादा गर्म कर दो और फिर इसको ठंडा करो ना, तो उसमें क्या होगा, उसके क्रिस्टल दानेदार, दाने दाने अलग हो जाएंगे, और जो दाने अलग होंगे ना बेटा, उसी को क्रिस्टल कहेंगे। तो इस तरह से किसी गर्म पानी के घोल को तुरंत ठंडा कर देंगे ना, तो उसे क्रिस्टल बन जाते हैं, और उन क्रिस्टल को अलग कर लोगे तो बिल्कुल वो प्योर होता है, वो नमक बिल्कुल प्योर होगा, उसमें दूसरी चीज कुछ भी नहीं होगी, इसी को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। समझ में? बहुत तेज ज्यादा गर्म पानी जो होगा ना, जिसमें घुला हुआ नमक, घुला हुआ पानी जो होगा, है ना, साल्ट का सोल्यूशन, नमक का घोल, गर्म नमक का घोल, उसको बेटा ठंडा कर देंगे तो क्या होगा, दानेदार, चीनी के दाने देखे ना, चीनी के दाने अलग अलग होते हैं ना, दिख जाएंगे ना, उसी तरह नमक के दाने भी हो जाते हैं, तो इसे वो प्योर नमक मिल जाता है। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम द इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस। अब मान लो कि अगर कोई गंदा चीज है और उसमें साफ चीज भी है, तो इस तरह से अगर हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करें तो क्या होगा, हमको साफ चीज बिल्कुल मिल जाएगी उसमें से, और जो गंदगी चीज वहीं पे रह जाएगी, जो साफ होगा वही भाप बन करके वहां पर ठंडा होकर के क्रिस्टल के रूप में बनेगा, और जो गंदगी जितनी भी पानी में रहेगी सारी नीचे ही रह जाएगी। क्लियर है आया? चलो ठीक है बेटा, ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, ठीक।